आज का जो टॉपिक है इस पर हम मेरी और अचिंत की काफी पहले जब संडे लीग पंडित बहुत ही नया था बहुत ही हीटेड डिबेट हुई थी और जो हमारे ओजी व्यूअर्स होंगे ना उनको डिबेट याद भी होगी इट वॉज द टाइम और उसमें हमने इसे बहुत ही लंबा चौड़ा आग्यू किया था कि 32 टीम होनी चाहिए फोर्टी एट टीम होनी चाहिए तो फाइनली 48 टीम, तो टीम वर्ल्ड कप यहाँ पे आ चुका है डिस्कस करेंगे ये चीज इंडिया को कैसे अफेक्ट करती है क्योंकि ऑब्वियसली 32 से जब 48 एट जाएगी टीम क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड कप डाउन होगा लेकिन अगर हमारे देश को भाई क्वालिफाई करने का चांस बढ़ जाता है तो

सीधे -सीधे ये था कि दो, -दो होंगे में वो करेंगी. 16, 32, sorry, FN, उसके बाद, जैसे होते हैं वैसे होंगे बट उस फॉर्मेट में जो दिक्कत थी जो हमने थोड़ी छानबीन करी हमें ये पता चला कि पहले वर्ल्ड कप्स में ऐसा जब ऐसा सिमिलर फॉर्मेट इंप्लीमेंट हुआ था क्योंकि वर्ल्ड कप का फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं रहा है बीच बीच में चेंज हुआ है तो क्या हुआ था कि एक सर्टन था जर्मनी ऐसे, में, कल्यूजन का, कल्यूजन होना बहुत होता है। ऐसे में जब टीम को पता है कि उनको एक सर्टन स्कोर लाइन चाहिए, चाहिए तो कभी वो प्री एग्रीमेंट करके ऐसे ऐसे रिजल्ट ले आते हैं उसमें ऑब्वियसली थर्ड प्लेस टीम होती है ड बी क्लोज टू गेट अ सेकेंड स्पॉट और फर्स्ट स्पॉट तो वो मिस आउट कर जाती है तो वेस्ट जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के में हुआ था कि अल्जीरिया ने मिस आउट कर दिया था इसलिए उन्होंने पहले अग्री कर लिया था मैच से पहले कि एक जीरो का हम स्कोर रखेंगे वेस्ट जर्मनी जीत गई थी एंड वेस्ट जर्मनी ऑस्ट्रिया क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड ऑन गोल्ड डिफेंस तो ये पहले है वर्ल्ड कप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा था आई थिंक सेवेंटीज में था जो वर्ल्ड कप था तो ये ऐसा पहले हुआ था तो ये जब ये फॉर्मेट आया था कि सोलह सोलह ग्रुप होंगे तीन टीम के

और फिर बाकी की जो आठ टीम बची वो जो थर्ड टीम्स होंगी, थर्ड प्लेस टीम बारह करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे को गाली सोचा डिबेट नहीं कराली खाने का मौका मिल जाता देना चाहता दे सकता है बट ट्वेंटी फोर प्लस एट का फॉर्मेट जो बेसिक बनेगा एंड फर्दर कंफ्यूजन के लिए क्योंकि भाई हमार हमारा पर्सपेक्टिव क्या है देखो आई एम सेटिंग असाइड माय मेरिट बेस्ड जो मेरे फॉर 32 टीम फॉर्मेट बीइंग बी स्ट्रिक्ट टू

एट हो जाएंगे इंटर जोनल प्ले ऑफ जो होते थे इस बार भी जो हुआ था ओशनिया और एशिया के बीच में तो उसमें से एक टीम क्वालिफाई करती है तो दैट कुड भी फाइव इस बार ऑस्ट्रेलिया से यूएई हार गई थी तो यूएई होती तो पांच टीम हो जाती तो हुए नहीं तो आठ टीम हो जाएंगी तो तीन और स्पॉट आ जाएंगे यूरोप में तेरह से सोलह हो जाएंगे तो यूरोप के अगेंस्ट बायस जो है ऑब्वियली बिकॉज यूरोप है लॉट ऑफ टीम्स विच आर गुड तो वो तो रहेगा उसका हम कुछ कर नहीं सकते नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन से भाई छह टीम हो जाएंगी फ्रॉम थ्री और फोर सेम फॉर्मुला अप्लाई होता है जोनल प्ले का ओशिनिया में एक ही रहेगा ओशिनिया में तो क्योंकि टीम्स ही ज्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही मेन टीम्स जो कुछ कर सकती है बाकी सारी टीम्स तो टू स्मॉल एंड टू आप कह सकते हो इनकॉम्पिटेंट

किम जोंग उन सब सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों कर लिया थर्टी नाइन टीम्स थी तो एक ग्रुप में कम थी लेकिन टेक्निकली ऑन पेपर देआर फोर्टी टीम्स तो आठ ग्रुप में बांटा जाता है अब इसमें से बारह टीम वर्ल्ड कप का जो क्वालिफिकेशन होता है जो थर्ड राउंड होता है उसके लिए क्वालिफाई करती है अब अगर आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझा तो आपके लिए आसान हो जाएगा तो भाई क्वालिफिकेशन चलता कैसे अब जैसे मैं ग्रुप एच का एक्जाम्पल लू इसमें साउथ कोरिया और लेवन दोनों ने थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था तो जो ग्रुप वनर है वो डायरेक्टली क्वालीफाई करता है तो आठ आपके ग्रुप विनर्स होते हैं और चार सेकेंड बेस्ट प्लेस टीम होती है वो क्वालिफाई करती हैं अब इनसे आपको मिलती है बारह टीम बारह टीम क्वालिफाई होकर आती है भाई राउंड थ्री में इनको छे, -छे के दो ग्रुप में बांट दिया जाता है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ठीक है अब इसके बाद जो टॉप टू टीम्स होती है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है सऊदी जापान इस बार के वर्ल्ड कप में डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए थे ईरान और साउथ कोरिया डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए थे इसके बाद यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक प्लेऑफ मैच होता है अब ऑस्ट्रेलिया और यूएई वाला मैच जो हुआ था उसमें से ऑस्ट्रेलिया मैच जीती थी अब वो जाके कॉनम बॉल के साथ एक प्ले खेलती है और उस प्ले को जो जीतता है वो वर्ल्ड कप में खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले यूए को हराया फिर ऑस्ट्रेलिया ने पेरू को हराया एंड दे, दे वेंट ऑन टू वर्ल्ड कप हेंस फाइव स्पॉट्स फोर स्पॉट्स और अब आठ हो जाएंगे तो आठ में एक्जैक्टली एशियन रोड मैप क्या होगा वो हमें नहीं पता लेकिन अभी जो सिनेरियो उस पर अगर हम डिसाइफर करें तो अगर आठ स्पॉट्स होंगे तो आप बहुत सीधा सीधा सा लगा सकते हो इसमें से आप टॉप फोर टीम्स को क्वालिफाई करा सकते हो दोनों ग्रुप से लेकिन वो चीज का कितना सेंस बनेगा उससे इंडिया को कितना फायदा होगा मेरे ख्याल से अगर ऐसा हम फॉलो करते हैं ना कि बारह टीम में अभी भी होंगी इसमें से टॉप आठ क्वालिफाई करेंगे तो इंडिया को फायदा नहीं होने वाला क्योंकि इंडिया की अगर आप पोजिशन देखोगे जो लास्ट टाइम पे हम थे भाई

विल स्टिल हैव टू मेक दैट जर्नी टू द टॉप टू या फिर फर्स्ट आना पड़ेगा उसके बाद जाके आपको कह सकते हो तो कुछ असली फायदा होगा लेकिन मेरे हिसाब से एज एन इंडियन फैन ये अप्रोच हमारी भी अच्छी नहीं होगी और वैसे भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि फिर इंक्लूसिविटी उतनी ज्यादा नहीं बड़ी ना जो छो, छोटे देश है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग नेशन उनको अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती फिर वही जो बड़े देश है ना उनको नंबर मिल रहा है सऊदी जापान वगैरह क्वालिफाई कर गई थी अब ऑस्ट्रेलिया यू भी डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है तो इंडिया को इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट मिलने वाला ये मुझे काफी मुश्किल लग रहा है उसमें इंडिया को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी टॉप टू में आने के लिए विच इज अ रोड टू फार फॉर अस राइट नाउ तो पहले हमको टॉप टू में आना होगा टॉप टू में अगर आ जाते हैं तो फिर एक रियलिस्टिक अप्रोच है तो जो पाथ है डेफिनेटली थोड़ा सा आसान हो गया है लेकिन जो हमें पाथ चलना था वो अभी पहले हमें वो सौ परसेंट वाला पाथ पूरा करना है

टू इन्वेस्ट इन फैसिलिटीज, टू इन्वेस्ट इन द फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर और आप देख सकते हो आई एस की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है आई में हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है बट अल्टीमेटली बात आ जाती है कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोइ करोगे क्योंकि बाकी टीम है यूएई की बात हो यूए मिस टाइम ई इज ऑलरेडी हेड ऑफ इंडिया तो इन सब आपको गैप अभी भी उतना ही ब्रिज करना है ऐसा नहीं आपको ब्रिज आपका वो गैप करने का छोटा हो गया तो हाउ डू ब्रिज दट गैप हाउ इफेक्टिव ब्रिज दट गैप एंड कैसे आप फोर्टी टीम की अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज करते हो ये बहुत मैटर करता है बाकी आप थोड़ा इसको आप एक्स्ट्रा स्टेप आउट करो और थोड़ा वैसे देखोगे और क्या फायदा हो सकता है इस वर्ल्ड कप का एक तो यह है कि हमारे को जैसे अब डिबेट चल रही थी एम्बापे और हाललैंड की नई डिबेट आएगी दिस इज गोइंग टू बी द डिबेट विच 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 इज गोइंग टू रिप्लेस रोनाल्डो वर्सेस मेसी तो एम इट इज लाइकली कि हम अब हार्लैंड को भी देख सकते हैं वर्ल्ड कप के क्योंकि नॉर्वे हैज अ चांस टू क्वालिफाई नाउ कुछ टीम्स यूरोप में ही मोस्टली हम देखते हैं जो टीम्स होती हैं हैव अ चांस टू अपसेट द अदर टीम्स

नॉर्वे भी ब्रिज कर सकती है तो इंडिया के आप परस्पेक्टिव से बाहर भी देखो तो ये भी हो सकता है एंड बाकी अगर आप वर्ल्ड कप में देखो तो कि गेम्स कितने इंक्रीज होंगे तो अभी अस्सी गेम्स का प्लान था जो यूएस कैनेडा मेक्सिको में वर्ल्ड कप होना था उसमें से साठ मैच होने वाले थे यूएस में दस मैच कनाडा और मेक्सिको में दोनों में होने वाले थे तो 80 मैच से अब 104 मैच हो जाएंगे तो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्वियसली कंसर्न आती है कि हमें पता है ऑलरेडी कि इस बार विंटर में वर्ल्ड कप हुआ था कितने प्लेयर्स सफर कर रहे हैं यूनाइटेड के में बात करूं तो प्लेयर्स को इंजरी धीरे धीरे कैसे पायलप हो रही है जो डर था वो एक्चुअली मटीरियलाइज हो रहा है तो ये नहीं देखना चाहते हो आप तो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको एड्रेस किया जाता है क्योंकि बात यह चल रही है कि जो वर्ल्ड कप का जो कैलेंडर है बेसिकली इस बार थर्टी डेज का वर्ल्ड कप होगा एंड टोटल मिला के जो बेसिकली जो आपका लीग लीग फुटबॉल में में और वर्ल्ड कप जो गैप होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कुछ दिन से

तो भाई अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा होपली जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो वीडियो प्ले करके दोबारा देख लेना हमारा बहुत टाइम भी बढ़ जाएगा थोड़ा इतनी मेहनत कर रहे हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड विल बाय बाय